Hey guys my name is Madiha and you're watching The Opinion Factor. Today we have with us Kamran Ali Khan who's a university professor, TV show host and a spirituality researcher. On this podcast today we'll be asking some interesting questions about Quran and making an effort to understand it. So let us begin. Assalamu alaikum sir. Ji assalam. <laughs> जानना मैं ये चाहती थी सर कि मैंने अभी रिसेंटली आपके प्रोफाइल पे पढ़ा था कि आपने लिखा है यू आर अ क्वांटम स्पिरिचलिस्ट एक तो उस बारे में जानना चाहती हूँ और दूसरा ये कि आपकी कुरान के हवाले से क्या रिसर्च है आई वुड वांट टू नो इट क्वांटम स्पिरिचलिस्ट एक्चुअली मीडिया में जब मैं काम करता हूँ और एक जमाने में तो बहुत ज्यादा किया तो वहां वो इस उलझन में रहते थे कि मुझे मेरे नीचे कैप्शन क्या लिखा जाए अच्छा अच्छा सही सही म, स्कॉलर लिखते थे तो मजहबी स्कॉलर तो मैं हूं नहीं ना मैं समझता हूँ अपने आप को ना मैं मुफ्ती हूँ ना लामा हूँ ना मुझे हिफा कुरान ना डेढ़ दो लाख अहदीस मुझे याद है तो वो कंफ्यूजन में रहते थे तो उस वक्त हमने एक ये टर्मिनोलॉजी कोइन uh, कर ली थी क्योंकि मेरा जाहिर है साइंस का बैकग्राउंड है और प्लस uh, uh, एक स्टूडेंट हूं मैं कुरान का तो अब uh, मैंने ही जाहिर है ये तो मीडिया वालों को तो नहीं पता था तो मैंने उनको ये टर्मिनोलॉजी दी और इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जो कुछ कुरान uh, में बताया गया है उसकी कई लेवल्स के ऊपर उसकी एप्लीकेशन uh, है और उसकी इम्प्लीकेशन है तो एक लेवल तो नॉर्मल मंडेन वर्ल्ड का लेवल है जिसको आप uh, तसवुफ़ की जबान में आलम नासूत कहते हैं और उसके नीचे फिर एक लेवल है जिसका कुरान में बिटवीन द लाइंस जिक्र है लेकिन आज तक उसको कभी हाई किया नहीं गया क्योंकि रिसर्च ही नहीं की गई mm -hmm. वो एग्जिस्टेंस का क्वांटम लेवल है और स्पिरिचुअलिटी जिसको हम uh, समझते हैं Uh, समझते तो अमूमन गलत ही हैं लोग तो ये समझते हैं कि आप वो कोई मुआजा कोई मुआजा तो खैर रसूल दिखाते हैं कोई करामत कोई कश कोई हवा में दो फिट ऊंचे हो गए फूक मारी और लाइटें बंद हो गई तो इसको स्पिरिचुअलिटी इस समझा जाता है आज की दुनिया में बट इट इज नॉट द केस तो स्पिरिचुअलिटी तो प्राइमरली जितना जितना आप इंसानियत के करीब होते जाते हैं और मकसद तखलीक कायनात के करीब होते जाते हैं तो यू बिकम जब मैंने क्वान्टम लेवल पे देखा है तो इसकी बड़ी इम्प्लीकेशन है एक्चुअली क्वान्ट का जो लेवल है वो है ही स्परिचुअल एनी वे तो ये रीजन था इस टर्मिनोलॉजी को कॉइन करने का राइट right. तो बाकी कुरान की रिसर्च तो अपनी जगह पर है चलती रहती है तो सर वॉट इज दोस्ट

रिसर्च की तो बात में अभी करूंगा लेकिन प्राइमरीली हुआ ये है फॉर द पास्ट लाइक टू हंड्रेड ईयरस और सो कि हमने कुरान को रिसर्च के एंगल से देखना ही छोड़ दिया और हमने uh, उन तमाम uh, तर्जुमों पर और उन तमाम तफासिर पर जो कि बहुत अहम है और बहुत ही जरूरी है उनको मैं कतन किसी भी तरह से डिनई नहीं कर रहा या उनकी अहमियत में कमी नहीं कर रहा शुड बी वेरी वेल नोटेड बट हैविंग सेड दैट आपने ये तो सुना होगा कि कुरान हर जमाने के लिए वैलिड है sure yes. कि आपने सुना होगा बिल्कुल और तमाम मुसलमान इस पे बड़ा फख्र भी करते हैं कुरान हर जमाने के लिए वैलिड है और आखिरत तक के लिए उसमें बल्कि उसके बाद भी जो आफ्टर लाइफ है उस वक्त उस तक के लिए उसमें रहनुमाई कर दी गई हिदायत दे दी गई अब एक अजीब सी बात है मदिया अगर आप गौर करें तो कितने कुरान है आपके घर में मेरे पास तो सर मैं एक्चुअली मोबाइल पे जो ऐप है ना जो ट्रांसलेशन वाली होती है वो पढ़ती हूँ बट वैसे घर में मतलब दो तो हैं तर्जुमे वाले कुरान दो तो हैं हार्ड कॉपीज हर घर में कम से कम दो तीन तो होती आप बिल्कुल ये नहीं है हर मुसलमान घर में आ, यही है मेरे ख्याल में ऐसे ही और कई लोगों के पास ज्यादा भी होती है मेरे घर में भी हैं तीन चार अच्छा इसका मतलब है कि अगर आप इस वक्त मुसलमानों की तादाद निकालें तो पौने दो अरब मुसलमान हैं दुनिया में इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय इवन अगर आप इसको ट्वाइस भी करते हैं रफ़ली चार अरब कुरान होंगे इस वक्त दुनिया में है ना और, और इतनी बड़ी तादाद में इतनी आ, बड़ी रहनुमाई का हर शख्स के पास होना हर मुसलमान के पास होना और फिर मुसलमानों की यह हालत होना डेट मेक एनी सेंस सर उसपे इकबाल तो ने भी कहा था ना कि तुम खार हुए तारे के कु होकर सो बेसिकली मतलब देखिए आई I मीन mean, मुझे नहीं पता मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये है बल्कि अल्लाह ताला ने खुद भी कुरान में कहा है कि असल कुरान तो आपका लोहे महफूज में है ठीक है ये जो उतरा है ये उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम आ, यूज कर सकते हैं अपने जो भी क्रिएशन के पर्पज है उसको फुलफिल करने के लिए तो कुरान बेशक दुनिया में आपने आपने जैसा सवाल किया ना कि इतने सारे क़ुरान है और इतनी सारी हिदायतें और हम फिर भी मुसलमानों का ये हाल क्यों है तो कुरान तो अपनी जगह है मतलब उसकी कॉपी हर किसी के पास है बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो आपकी अम्मी अगर आपको सामान की लिस्ट दे दें कि बेटा ये ये काम करके रखना मैं आ रही हूं और आप उस लिस्ट को समझे बगैर हिल हिल के पढ़ते रहे और अम्मी आए और बोले कि बेटा काम हो गए सारे तो मैं नहीं अम्मी आपकी इतनी इज्जत करती हूं मैं कि आपने जो लिखा है मैंने एज इट इज पढ़ते रही मैं पढ़ती रही मैं पढ़ती रही और ना सिर्फ ये कि मैंने चले अमल तो हर बंदा कोशिश करता है कि करे एंड किसी और के अमल के ऊपर तो मैं कमेंट uh, शायद इसलिए बहुत ज्यादा ना करूं क्योंकि मैं खुद भी कोई मैं नहीं समझती कि मेरा अमल अपनी तौर इस काबिल होगा कि मुझे किसी और के ऊपर पॉइंट रेज करने का uh, हक मिले बट एट लीस्ट आई गो एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड वट इज रिटन ओवर देयर इनस्टेड ऑफ थिंकिंग क्योंकि सर आपने अक्सर सुना होगा आजकल तो खैर youtube पे काफी सारी वीडियोस मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो जेनजी है जो नई जनरेशन है वो फिर भी उसको लाइक एक कुछ ना कुछ उसको पता चलता रहता है बेशक मतलब इधर-उधर इंफॉर्मेशन है बेशक छोटी-छोटी क्लिप्स होती हैं जो भी लेकिन हमसे जो दो जनरेशंस पहले और बल्कि चार जनरेशंस पहले के जो लोग थे उन तक तो जब कुरान पहुंचा था तो वो अरबी समझ के पढ़ अरबी को पढ़ के ही सवाब हासिल करने को ही उसका मकसद समझते थे एंड देन मतलब जहाँ तक मैंने देखा मैं भी यही बात सोचती थी कि क्यों है ऐसा सो मच अवेलेबल टू अस हम ही सबसे बुरे हालात में क्यों है तो मतलब जो मेरी जो अपनी थ्योरी है ना इसकी इसकी वो ये है कि एक तो लोगों ने ना अपने दीन को कर दिया आउटसोर्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल If I have to appear for my IELTS exam, तो मैं पचास हजार रुपए देकर पढ़ लूंगी क्योंकि मुझे उसको क्लियर करना है लेकिन अगर आप किसी को तीन हजार रुपए मंथली की भी क्लास बताओगे ना कुरान की वहाँ पे हो रही है आप ले लो तो बोलेंगे कि यार, दीन के नाम पे पैसे ले रहे। या फिर वो ये कहेंगे अच्छा मैं ये नहीं कह रही कोई पैसे ले या ना ले वो उसका जाती मामला है बट वो अगर अपना टाइम दे रहा है so hmm. दुनिया अलग तो नहीं है ना मतलब इस दुनिया एंड दुनिया इज दीन मतलब से, अल्लाह ताला को तो दुनिया को गुजारने के तरीके का नाम दीन है हाँ वही ना मतलब दीन सेपरेट चीज तो नहीं आई है सो अगर मैं अपनी अब हमने क्योंकि इसको बना दिया ना कि दुनियावी इल्म अलग है और दीनी इल्म अलग है सो बेसिकली क्योंकि हमने ऐसा बना दिया मतलब कोई भी चीज आई थिंक डाउन द दा जनरेशन जब जाती है तो वो इसी तरीके से उसकी मीनिंग जो है ना वो Uh, कम होती जाती है या यू नो चाइनीज विस्पर की तरह उसका मतलब बदलता चला जाता है बट uh, हम लोगों ने स्पेशली मैं अपने अराउंड जो देखती हूँ वो ये कि uh, चीज़ों को आउटसोर्स किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल के मतलब अगर आप किसी को कहोगे कि कोई कोई को, कुछ भी करता है आपको नहीं यार ये ए, मुझे तो नहीं लगता कि ठीक है तो बोलेंगे कि नहीं ऐसा है आप बोलो आप आपको कैसे पता चला तो बोलेंगे नहीं हमें पता है कैसा है मैं पूछू कहाँ लिखा हुआ है तो कहेंगे कि हमने पूरा कुरान नहीं पढ़ा लेकिन हमें पता है तो भाई जब आपने पढ़ा भी नहीं तो आप इतने से कैसे झूठे मतलब तो बात बात के, के लिए इतना काफी है वो सुनी -सुनाई बात को आगे बढ़ा दे, इस तरह की कोई हदीस sure ने पढ़ा है तो आपने उसकी बात पे यकीन कर लिया चले ठीक है अच्छा आपसे तो हो स्टाफ है लेकिन बात कि मैं एक बात आपसे और पूछना चाहता हूँ आप भी जेनजी को ही तकरीबन रिप्रेजेंट करती हैं बल्कि अब तो जेनजी से भी आगे मेरी बेटी मुझे बताती रहती है तो सर मैं तो भी आ आगे हैं आप मिलेनियल हैं ठीक है लेकिन वो द माइंड सेट की बात कर रहा हूँ मैं बहुत से बूमर्स और बेबी बूमर्स का माइंड सेट भी जो है वो हैदे कदीम का है और बहुत से लोग जेनजी में कहने को उनकी उम्र साठ साल होगी तो तो ये तो माइंडसेट की बात होती है बहरहाल पॉइंट ये है कि आपने अभी इतनी सारी बातें की ठीक है ना और आपकी जब इस गुफ्तगु को लोग सुनेंगे आपकी उम्र के लोग सुन अच्छा मेरी उम्र के लोगों का अलमिया ये है कि हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम क्योंकि हमारे प्री कंसीव नोशन जो है ना वो इतने स्ट्रेंथन हो चुके हैं हमारे अंदर कि हम उसमें रद्दोबदल के लिए ना अब तैयार नहीं है और वैसे ही आधे लोग तो पचास साल के बाद ये समझते हैं कि भाई आखिरी वक्त है अल्लाह अल्लाह कर लो और ऐसा ना हो कि जो पता था उससे भी जाए खौफ भी है एक लेकिन आप लोगों के पास गुंजाइश है आप लोगों के पास विद ऑल द टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग इन हैंड एक जहन भी किसी हद तक खुला है ऑल दो के ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाएगा कि अगर हम ये बात करें कि इस वक्त यूथ किस तरफ जा रही है और किस तरफ बल्कि यूं कहना चाहिए उन्हें ले जाया जा रहा है लेकिन मैं प्रायमेरिली ये समझता हूं कि अगर यूथ आप लोग आज अगर मैं मैं पढ़ाता हूं आपको पता है आपको भी पढ़ाया मैंने और अभी भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहता हूँ शायद उस जमाने में आप लोगों से भी कही हो कि अगर मेरे नज़दीक आप बुरे हैं तो टेक्निकली मैं ये कह रहा हूं कि मैं बुरा हूं क्योंकि यूथ तो बच्चा तो आईना है ना मेरे तो आईना है आप लोग मैंने जो आपको सिखाया उसका रिफ्लेक्शन मुझे नजर आ रहा है ठीक है ना तो आईने में तो हमेशा अपना ही अक्स नजर आता है तो पॉइंट ये है कि जितनी आपने बात की और जो मैंने सवाल उठाया था कि कुरान है और फिर आपने बड़े अच्छा इकबाल को कोट किया ख्वार हुए तारिके कुरान तो तारीख कुरान होने का मतलब क्या है कुरान तो घर घर में है कुरान लोग पढ़ते भी हैं सवाब की नीयत से आजकल एक ट्रेंड है कि लोग तर्जुमा भी पढ़ना शुरू हो गए आपको उसका मतलब भी समझ आए लेकिन पॉइंट क्या है पॉइंट ये है कि कुरान चाहे टेक्स्ट पढ़ें चाहे उसका तर्जुमा पढ़ें चाहे उसकी तफसीर पढ़ेंस उसके कुछ की पॉइंट्स को अपनी जिंदगी पे अप्लाई करने की कोशिश ना शुरू की जाएगी इट विल नॉट इट विल है अल कर्न कहा गया है अकदस अलसलातम की जात को ठीक है वो अल कर्न है द प्रैक्टिस या द प्रैक्टिसिंग कुरान वो खुद आप की जात है तो कुरान को अपने अमल में लाने का तरीका जो आसान तरीका है लंबी और मुश्किल बात नहीं करेंगे आसान तरीका है ये कि हज़ूरतम की वो सुन्नतें के जिनका ताल्लुक हकूक इबाद से है एक बंदे का अपने रब से ताल्लुक़ है और एक बंदे का दूसरे बंदों से ताल्लुक है रब का ताल्लुक बिटवीन मी एंड माय क्रिएटर और उसकी उसकी ज़्यादा एग्जिबिशन भी मुनासिब नहीं है जो कि अब बड़े बड़ी एक कॉमन सी बात हो गई है कि जी मैं इतनी तहजद पढ़ता हूँ लोग एक दूसरे को बताते हैं असल बात यह है कि आपका आपके लोगों के साथ रवैया क्या है अच्छा अब रवैये में जब आप आते हैं तो रवैया तो सेकेंडरी चीज़ है प्राइमरी चीज़ ये है कि जो जॉब आपको दी गई है जिस पे आप अकाउंटेबल हैं क्या आप वो पूरी तरह कर रहे हैं मैं एक टीचर हूं मैं पढ़ाता हूं तो क्या मैं अपने फराइज को पूरी तरह अदा कर रहा हूं मैं एक बाप भी हूँ मैं एक भाई भी हूँ मैं एक बेटा भी हूँ एक ही पर्सनैलिटी में मुख्तु रोल्स होते हैं आप आ, 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 आप एक आ, बीवी भी हैं आप एक स्टूडेंट भी रही हैं आप आज और आपके बहुत सारे रोल्स होंगे जो शायद मुझे इस वक्त ना पता हूँ अपने हर रोल के अंदर आप अपनी इसी का इसी फिजिकल बॉडी और इसी माइंड के साथ जिस तरह ऑपरेट कर रही हैं अगर आप उस रोल का हक अदा कर रही हैं तो बिलीव इन मी यू आर प्रैक्टिसिंग कुरान एंड यू आर अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम इज नॉट सपोज टू बी अ पर्सन के जो नमाज रोजा जक़ात हज कर रहा हो वो करना अपनी जगह बहुत जरूरी है लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम सिर्फ इबादात की प्रैक्टिस का नाम नहीं है ठीक है एक मैं सिंपल सी बात आपसे कहूं लंबी चौड़ी रिसर्च की मैं बात नहीं करूंगा मैं तो वो बातें कर रहा हूँ कि जो एक आम आदमी सुन के समझ सके डीप साइंटिफिक बात में हम नहीं जा रहे क्वांटम में भी हम नहीं जा रहे ठीक है ना टू स्टार्ट द डिस्कशन हम तो इतनी सी बात कर रहे हैं कि कुरान के अंदर अल्लाह ने एक जगह फरमाया है बड़ी सिंपल सी आयत है वमा खलखतल जिन्ना वल इंसा इल्ला, इल्ला भुदून। भुदून। हमने नहीं पैदा किया जिनो इंस को मगर अपनी इबादत के लिए किस चीज के लिए एब, बस ये जो आपने तर्जुमा किया ना यही गलती है हमने नहीं पैदा किया जिनो इंस को मगर अपनी जनरल तर्जुमा कर दिया गया इबादत के लिए एक्चुअली इबादत नहीं है जो एक अरबी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो तो अब्द है अब्दियत और इबादत अबियत सुपर सेट है और उसका एक सबसेट इबादत है अबियत ये है कि मैं उसका बंदा हूं और बंदा होने के तहत मैं अपनी तमाम होलिस्टिकली तमाम ड्यूटीज को प्रॉपरली और इंटीमेटली इंटिमे, परफॉर्म करूंगा जिसमें एक ड्यूटी इबादत भी है तो हुआ क्या इस तर्जुमे ने जहन के इस अबियत के कॉन्सेप्ट को इबादत तक कन्फाइन कर दिया एंड दिस हैज बीन द द द रूट कॉज फॉर टू बिलीव इन फैक्ट के जी मैं पांच वक्त की इबादत करता हूँ मैं नमाज पढ़ता हूँ रोजा रखता हूँ देता हूँ सौफीक मिले अगर मैं साहिब हज भी कर लेता हूँ काम खत्म अल्लाह ने कहा था हमने तुम्हें पैदा किया इबादत के लिए मेरा काम पूरा हो गया अल्लाह ने तो ये नहीं कहा था अल्लाह ने तो इससे ब्रॉडर फ्रेमवर्क में अबियत कहा था जिसका एक हिस्सा इबादत था जो आप यकीनन कर रहे हैं अबियत क्या है आप एक कंपनी में जॉब करती हैं मैं कंपनी में काम करता हूं मेरा एक बॉस है उस बॉस ने मुझे कुछ एक एसओपी दिया हुआ है कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटीज हैं एक तो मेरी जेडी है जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बाद कुछ मेरी ड्यूटीज हैं कुछ मेरे डूज एंड डोंट्स हैं कुछ मुझे उस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ चीजें जो वहां पसंद की जाती हैं जो वहां फॉलो होती हैं ठीक है उसको मैं सुन्नत कहूंगा वो भी मुझे अदा कर है कुछ चीज़ें हैं जो फराइज हैं उस जगह के वो भी मुझे पूरे करने हैं और उसके बाद एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मुझे ऑपरेट करना है और इसका इस पूरे इस पूरे सिनेरियो का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आई शुड बिकम बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन मुझे ऑर्गेनाइजेशन तनख्वाह दे रही है भाई मैं उनके लिए काम करूं वैल्यू एड करूं यही है ना इसी जबान में हम इस बात को करते हैं ना यही पूरी जबान दीन की जबान भी है अगर आप गौर करें तो अब्दियत ही तो है ये सब कुछ आप उस इबाद उस उस ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन में वहाँ एक अब्द है उस फ्रेमवर्क में और उस अब्द का रोल ये कि भाई वो कमा हक तमाम अपनी ड्यूटीज को परफेक्टली पूरा करे और खुद भी सीखे और अपने एनवायरमेंट को भी सिखाए और नतीजा क्या हो ओवरऑल सब लोग ग्रो हो फाइनेंशली इमोशनली मॉरली फैमिली जिस तरह आप सोच लें सबको ग्रो होना चाहिए ये एक मैंने अभी एक नुकता उठाया है सिर्फ इबादत हमने अब्दियत को तर्जुमे में इबादत से रिप्लेस करके माइंड को कितना सा कर दिया महदूद कर दिया कुरान में जो मैं आ, देखता हूं जो मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है थोड़ी बहुत और फिर अलहमदुल्लह सलाहियत की तो हैसियत कोई नहीं है असल बात ताल्लुक की है कि जहाँ ताल्लुक दिया है उसकी वजह से नजर ये आता है कि हमने कुरान को समझने की कोशिश नहीं की और क्यों नहीं की कमर्शियल वैल्यू कोई नहीं बिल्कुल आपने सही कहा पच्चीस हजार रुपए पचास हजार पचास हजार डॉलर दे देंगे आप एक आदमी को कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्दी होगा लेकिन आप तीन हजार रुपए देकर एक कारी साहब को बमुश्किल तमाम उनको देते हैं तीन हजार रुपए मुंह मना के कि चलो यार बच्चे को कुरान भी पढ़ा दे ये सिर्फ एक्चुअली हम अपने खौफ की वजह से कर रहे होते हैं कि आखिरत में सवाल हो गया कि बच्चे को कुरान तक नहीं पढ़वाया तूने तो मैं कहूंगा नहीं नहीं अल्लाह कारी साहब आए थे तीन हजार रुपए भी दिए थे मैंने कुरान पढ़वाया था ठीक है तो इसी तरह हमने भी पढ़ा इसी तरह हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं मतलब पॉइंट क्या है पॉइंट ये है कि क्या कुरान घर में डिस्कस होता है अपने बच्चों के साथ क्या एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जो रास्ता दिखाया है कभी उसके बारे में बड़ी लाइट टोन में, में यह बात होती है अब हमारे हंसी मजाक में ये गुफ्तु होती है दिस इज वट इज रिक्वायर्ड अगर आप एक तो पहली बात ये कि एक हमने वो जो तस्वुर बना लिया ना कि कुरान को बहुत ऊंची जगह रख दो और इतना दूर हाँ बच्चों की बहुत से दूर ठीक है ना इतना उसका अदब करो ये बिल्कुल वही बात है कि आप अपनी माँ का इतना अदब करें कि उनके करीब ना जाए तो फायदा क्या हुआ तो बहुत सारी बातें ये बात करते रहेंगे तो होती जाएगी लेकिन मोटी बात ये है कि कुरान की रिसर्च तो खैर बहुत बड़ी बात है और रिसर्चर होने का दावा तो कौन कर सकता है लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं ना उन पे हमें अब तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये जो अब वक्त है ना जिसके अंदर हम अब सांस ले रहे हैं और अगले आने वाले पांच साल भी नहीं दो साल भी नहीं विद इन दिस ईयर आपको नजर आ जाएगा कि दुनिया अब कहाँ जा रही है ठीक है पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स यूरोप का हाल अभी अगर किसी के सामने नहीं है तो छह महीने के अंदर बिल्कुल क्लियरली सामने होगा ठीक है बड़े बड़े बैंक्स डिफॉल्ट uh, हो रहे हैं ठीक है और उनको पीछे से अब सपोर्ट करने का भी पैसा नहीं है जो 2008 में किया था तो पॉइंट क्या है ये एक अलग मौजूद है पॉइंट सिर्फ ये यूरोप के अंदर इस पर ये हाल है कि हमारे एक जानने वाले हैं लाहौर में उन्होंने बताया कि उनके फ्रांस से चार दोस्त आए थे दो कपल्स मियाँ बीवी चार लोग और वो सिर्फ पाकिस्तान और लाहौर इसलिए आए थे कि उन्होंने कुकिंग ऑयल खरीद के लेके जाना था It has so in, uh, कि उन्होंने कहा कि चलो यार ट्रिप भी हो जाएगा और इतना महंगा है कि जहाज के टिकट के साथ भी वो उनको सस्ता पड़ रहा था ये हालत है इस वक्त यूरोप की जिसके हम बहुत सब्ज बाग देखते हैं और अपने बच्चों को किसी भी तरह भेजना चाहते हैं ठीक है कैनेडा अमरीका की हालत भी इतनी को खास अच्छी कैनेडा की अपने मामला अलग हैं अमेरिका इज ऑन दर्ज ऑफ इट्स फाइनेंशियल Collapse. अच्छा मैंने ये बात यहां क्यों डाली होगा ये अगले छह से आठ महीने के अंदर आप ये देखेंगे कि दुनिया में एक तबले जंग बच जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर का एंड इट इज सो ऑब्वियस ठीक है इस पर पूरे यूरोप के अंदर जितने थिंक टैंक्स हैं मैं कई लोगों से कनेक्टेड हूँ वहां बाकायदा ऑन द टेबल ये सबसे अहम मौजू है कि अब हमने आगे क्या करना है चलिए अच्छा फर्ज करें कि ये हालात पैदा हो गए पाकिस्तान बड़ी अजीब जगह पाकिस्तान के जो हालात आपको बाहर नजर आते हैं ना एक बात याद रखिएगा पाकिस्तान को ये सियासी रहनुमा नहीं चला रहे ना ये फौज चला रही है ना ये बेरोक्रेसी चला रही है ये अगर समझते हैं तो इन बेचारों की खाम ख्याल पाकिस्तान किसी और तरह चल रहा है और वो चलता रहेगा और ये आप तो अभी छोटी हैं मेरी साठ साल की उम्र होने को आ गई फिफ्टी सेवन हमने अपने बचपन से वो एक गाने है ना उसका के हालत अब पाकिस्तान की हमेशा से हम खतरे में ही नजर आते हैं शहजाद रॉय का मेरे ख्याल में ठीक है ना तो वो हमने अपने बचपन से सुना है कि बहुत नाजुक हालात से मुल्क गुजर रहा है हम हमेशा नाजुक हालात से ही गुजरे लेकिन अलहमद ला वो आज तक बस नाजुक ही रहे और चल भी रहा है तो होगा ये आगे आने वाले वक्त में कि लोगों को अभी जूते तो पड़ने शुरू हो गए क्योंकि जब खेत को खेत में जब नई फसल लगानी होती है ना तो पुरानी फसल को और उसके बीज को निकाला जाता है और एक वक्त के बाद जब उस जमीन में बिल्कुल गुंजाइश ना रहे तो फिर उसको पहले जलाया जाता है पाकिस्तान में इस वक्त वो वक्त शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में इस वक्त इस जो तन आसानी का माइंड है लोगों का जिस तरफ जिस तरह लोगों ने मजाक बना लिया है मैं दीन की तो बात ही नहीं कर रहा मैं तो नॉर्मल मोरालिटी की बात कर रहा हूँ दीन भी मोरालिटी का नाम है लेकिन मैं कहूँ ना दीन को मजाक बना लिया तो लोग कहेंगे हो ये तो बहुत बड़े कोई आ, क्रिटिक आ गए तो मैं, तो मैं तो एक बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ देखिए एक आम आदमी के लिए कोई और प्रायोरिटी नहीं है सिवाय इसके कि वो इतना पैसा कमा ले कि वो नाइन टू फाइव या नाइन टू नाइन जॉब करके अपने घर में अच्छा पैसा ला सके अच्छा मजे की बात यह उस पैसे के, जितना कमाता है उसकी जरूरियात उससे ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आज मेरे पास पचहत्तर हजार का फोन है जब मैं ज्यादा कमाने लगूंगा तो मैं कहूंगा नहीं यार अब तो मेरे पास डेढ़ लाख का होना चाहिए पौने है तो, तो चार लाख का भाई आईफोन फोर्टीन Pro -max होना चाहिए, ठीक है ना तो पॉइंट क्या है ये कि आपकी जरूरिया खत्म नहीं होने वाली और इस rat race के अंदर अब वो वक्त आ गया है कि दुनिया के हालात और आपके जो इन्फ्लेशन और आपके जो मुल्क के हालात हैं, आपको पता है कि इस वक्त कई जगहों के ऊपर आपको पता है आज क्या वाकया हुआ है पाकिस्तान में कराची में एक, एक, एक मिल ओनर था साइट कराची में जिसने जक़ात बांटने की कोशिश की आज की खबरों में है डॉन में और हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं चार अप्रैल है जब भी कोई जो व्यूअर इसको देखेगा चार अप्रैल दो हजार दो हजार वो विंडोज दिखाती जी, है। जी, विंडोजन है तो वो फर्स्ट अप्रैल है ना अल्लाह रहम आपको पता है बारह लोग हलाक हुए उस जक़ात को हासिल करने के लिए क्योंकि उन्होंने अपनी फैक्ट्री का एक छोटा सा गेट खोल दिया एंड देर वॉज अ स्टीट इतनी औरतें और इतने बच्चे जमा थे बारह लोग एक दूसरे के पैर के नीचे दब के हलाक हो गए ये आज की खबर है डॉन में आई है अभी, ठीक है? आप गौर कीजिए कि हम किस जगह खड़े हुए और हमारे पास गुर्बत का क्या आलम है उसमें एक क्लास मेरे और आप जैसे लोगों की है कि जिनको कोई खास अभी तक तो फर्क नहीं पड़ा इस महंगाई से अंडे महंगे हो गए हम अफोर्ड कर रहे हैं कब तक करेंगे मेरी भी एक लिमिट है आपकी भी एक लिमिट है करोड़पति ना आप है ना मैं हूं ठीक है अच्छा जो करोड़पति भी है उसकी लिमिट कोई और आएगी अंडे शायद कभी भी दस लाख रुपए दर्जन तो नहीं होंगे लेकिन बात यह कि रिक्वायरमेंट्स आप लोगों ने हम लोगों ने अपनी इतनी बढ़ा ली है कि कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जो हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगी एंड दैट विल बी अ पोकिंग फैक्टर कि वो आपको तो बात यह है कि भाई आज वक्त है अपनी रूट्स पे जाने के लिए टू स्टार्ट द जर्नी कुछ भी ना करें हर एक के घर में दो दो तीन तीन कुरान पढ़े हुए ना सिर्फ उस कुरान को उठाएं और लंबी बात नहीं करें सूर फातिहा को समझने की कोशिश करें और कभी मौका मिला तो सूर्य फातिहा को आज किस तरह समझना चाहिए ये बात आपसे करेंगे पॉइंट सिर्फ एक है लंबी चौड़ी बात का वक्त अब नहीं रहा अब जिन चीजों का वक्त है वो ये कि अपनी बुनियाद को थोड़ा सा दुरुस्त करना है और उसका सिर्फ एक तरीका है एक तो तरीका जाहिर है कि आप अपनी स्टडीज को अपने कुरान से आ, आ, लिंक को आप बढ़ाएं लेकिन जो सबसे अहम बात है ना जो आम आदमी बड़े आराम से कर सकता है एक चीज है जो मुझे आपको एक करोड़पति को अरबपति को बिल गेट्स को इलाम मस्क को और आपके घर में काम करने वाली मासी को अल्लाह ने इक्वली दी है और वो है टाइम सबके पास 24 घंटे उतने ही हैं मतलब सुना होगा ना आपने वक्त में बरकत खत्म हो गई है खत्म वतम कुछ नहीं हुआ मैंने अपनी रेट रेस के अंदर अपने वक्त में से वो मैं अपने वक्त के मुख्तलिफ हिस्सों को डिवाइड कर कर उसमें मुख्तलिफ काम नहीं कर रहा मेरा सुबह से उठ के रात सोने तक सिर्फ दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा है किस तरह मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊं यानी ये डोमिनेंट थॉट प्रोसेस है जब ये डोमिनेंट थॉट प्रोसेस होगा ना और आप किसी एक ही चीज के पीछे लग जाएंगे तो बरकत किस चीज का नाम है बरकत नाम है अपने खाने में बरकत किसको कहते हैं आप अकेला बैठ के खाना खा रही हैं इससे बहुत बेहतर है कि चार लोग बैठ के आपके साथ खाना खाएं खाना सब में डिवाइड होता है ना तो आप कहते हैं भाई बरकत आ गई बरकत इज बेसिकली कि आप किस तरह अपने एसेट्स को अपने रिस्क को अपने शूर को अपने इल्म को बांटते किस जितना आप बांटेंगे उतना वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ टैलेंट इन टर्म्स ऑफ एक्विजिशंस और ये इसको बरकत कहते हैं तो इस बरकत की तरफ जाने के लिए एम्पथी क्रिएट करें अपने अंदर हम जनरली बेहिस हो चुके हैं इसलिए कि वी आर आर सो सो थॉट प्रोसेस इज इन वही एक्विजिशन ऑफ फेम वगैरह वगैरह के चक्कर में कि मैं मैं ये देखने के काबिल ही नहीं रहा कि मेरे अतराफ में कौन लोग हैं मेरे आप अपने पड़ोस में कितने लोगों को जानती हैं वो जमाना ही खत्म हो गया लोग पड़ोसियों को जानते थे अभी तो रमजान का महीना है तो इफ्तार आ जाती है दो चार जगहों से वो भी बमुश्किल और हम भी दो चार जगह भेजते थे हम, हम अजीबो गरीब दौर में दाखिल हो चुके हैं और इस दौर के अंदर अभी आने वाले विद इन अ फ्यू मंथ्स जब दुनिया के हालात बहुत खराब होंगे और उसका जाहिर है प्रेशर आपके पास भी आएगा फाइनेंशियल प्रेशर आएगा आपकी इन्फ्लेशन आज का फिगर है थर्टी फाइव परसेंट मार्च के अंदर जो फिगर्स आज रिलीज हुए स्टेट बैंक की तरफ से अप्रैल के अंदर इट इज एक्सपेक्टेड टू राइजर फाइव परसेंट इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि आपकी महंगाई बढ़ेगी आसान लफ्जों में महंगाई बढ़ती जाएगी छोटे छोटे लोग जत्थे बना के लोगों को लूटना शुरू कर देंगे जो श्रीलंका में हुआ है आप इन हालात की तरफ जा रहे हैं और मैं गुलिस्तान जौहर एक कराची का इलाका है वहां रहता हूँ आप यकीन मानिए मेरे घर के करीब शादी हॉल है बारह से पंद्रह लाख रुपए फी हॉल पटाखे फूटते हैं रात में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं 20-20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो ये हाल है भाई <laughs> हम हम क्या बात करें ठीक है ना तो खैर आप प्लीज सॉरी आप इंटरप्ट कीजिए मुझे मैं तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ नहीं नहीं आप सही बोल रहे हैं सर मैं ये अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि आपने कहा कि कुछ महीनों में यू नो हालात और बदतरी की तरफ चले जाएंगे तो आप, सर मुझे नहीं पता कि आप ग़ज़वा हिंद की हदीस के बारे में क्या समझते हैं मेरा शुरू से एक टॉपिक रहा है शायद आपको पता भी होगा यूनिवर्सिटी के जमाने से कि मुझे बहुत शौक था हर चीज़ में यहूदी साजिश निकालने का अब ख़त्म kh हो गया ख़त्म तो नहीं हाँ काफ़ी ख़त्म हो गया काफ़ी रियलिस्टिक हो गया बट जो मतलब ये वाला एक आजकल कॉन्सेप्ट वायरल हुआ है जिसको मैं बिलीव नहीं करती यू you know, नो से लोग निकलेंगे और यू you नो know, हम लोग दुनिया में ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं जहां से तो अगर वो लोग निकलेंगे भी अगर लेट से तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग होंगे वो मतलब जैसे वो थे ना तातारी आए थे और पहले मुसलमानों को खत्म किया था और उसके बाद दोबारा से वो किया था तो मतलब वो अलामा इकबाल ने शायद कहा कि वो पासबाँ मिल गए को सनम खाने से तो अगर मिलने भी हैं तो मैं मैं नहीं समझती कि वो हम या मतलब दिस जनरेशन और दिस लॉट ऑफ पीपल इन आइदर ऑफ आर यू नो नेबरिंग कंट्रीज या हम इतनी सलाहियत या मॉरल uh, ग्राउंड रखते हैं कि हम इस तरह कुछ कर सके मतलब इफ इवन इफ अगर कोई आएगा प्रोबेबली नेक्स्ट जनरेशन आई डोंट नो सो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट बिकॉज आपने एंड ऑफ टाइम्स की बात की है देखिये <coughs> जहां तक गजबा हिंद का मामला है ना अब बहुत ज्यादा अदीस है नहीं इसमें जिनको जिस तरह कोर्ट किया जाता है ना मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आ, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो जाएगी हदीस के हवाले से अगर मैं बात करूंगा देखिए मैं तो एक आसान बात जानता हूं गजबा हिंद तो एक चीज है ना और बहुत सारी बातें इमाम मेहंदी का जहूर है ठीक है खुरुजत है ठीक है फिर हजरत ईसा ने आना है ये तमाम बातें मौजूद है अच्छा नाउ देर देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल यानी जो हमारे उलमा हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ आम आदमी को तो कुछ भी नहीं पता ना वो तो मस्त है अपने मस्ती में खोया हुआ है ठीक है ना तो जो है उनके अंदर इसमें कई ग्रुप्स हैं कुछ कहते हैं जी ऐसा होगा कुछ कहते हैं नहीं होगा कुछ यू कुछ कुछ इस तरह कहते हैं कुछ फिर एहल तशी कुछ कहते हैं एहल सुन्नत कुछ कहते हैं उनके इमाम मेहंदी का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है हम जिसको शब महारात कहते हैं वो एहल तशी में पहले सुनना तो पैदा में सुन्नी घर में हुआ था तो ये कि वो हम जिसको पंद्रह को शब इमारत मनाते हैं पंद्रह शाबान को वहां उस दिन विलादत इमाम मेहंदी का दिन के यहाँ तो पॉइंट क्या है पॉइंट ये कि ये जितनी बातें ये प्लेथोरा ऑफ थिंग्स जो है मैं एक बड़ा सिंपल सवाल पूछता हूँ आपसे मैं आपको ये कहता हूँ और मैं भी नहीं कहता मैं आपसे कहता हूँ कि बेटा दुनिया के हालात का जायजा लो और एक बहुत बड़ी रेस है ठीक है जो शुरू होने वाली है ठीक है और घोड़ घोड़ घोड़ों की रेस है ठीक है और उसके अंदर आपके पास भी एक घोड़ा है उस घोड़े को आपने उस रेस में दौड़ाना है ठीक है रेस कब शुरू होगी अब मेरा ख्याल है चंद महीनों में होगी या चंद सालों में होगी मैं आप लेकिन आपको फर्ज करो मुझ पर बिलीव है आप कहती हूँ कि हाँ यार ठीक है अगर ये कह रहा है ना तो रेस शुरू होनी होगी अब आपका पहला स्टेप क्या होगा आपके पास एक घोड़ा है उसको उस रेस में दौड़ाना है और आप चाहती हैं जाहिर है कि रेस में दौड़ाने का मतलब ये है कि आप जितना भी चाहेंगे तो आपका पहला स्टेप क्या होगा घोड़े को अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो उसको हाँ, तैयार करना ऑलरेडी है घोड़े को तैयार करना एक कॉमन सेंस का जवाब है जो कि वैसे अनकॉमन है काफी कॉमन सेंस ठीक है लेकिन आपसे उम्मीद थी इसलिए मैंने पूछ लिया वरना मैं खुद ही जवाब देके आगे बढ़ता तो घोड़े को तैयार करना भाई जब मुझे रेस का पता चल गया घोड़ा yes, दौड़ाना है तो मैं आज से घोड़े की मालिश उसकी खिलाई पिलाई उसकी सेहत बनाना शुरू कर दूंगा ताकि जब रेस शुरू हो तो मेरा घोड़ा तैयार हो अच्छा अगर फर्ज करो रेस शुरू नहीं भी हुई तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ भाई घोड़ा तैयार ही हो गया मैं सवारी कर लूंगा मैं उससे और दस फायदे उठा लूंगा और अगर हो गई तो मैं उन लोगों से बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे जीतने के, के जिन्होंने घोड़ा तैयारी नहीं किया था वो सिर्फ रेस का सुन सुन के खुश हो रहे थे अब मैप करें इस पूरी बात को ये जो घोड़ा है ना ये मैं हूं आप हैं हमारी ये फिजिकल बॉडीज और माइंड है हमें इस्तेमाल कैसे करना है इन इशारों को चाहे वो अजबा हिंद हो चाहे वो जहूर इमाम मेहंदी हो दज्जाल हो वट ठीक है हमें नहीं पता कि ये कब होगा ठीक है हाँ अदीस में इशारा है लेकिन मुझे मैं अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगी तो जाती तौर पे मुझे आ, यकीन है कि इनमें से हर इवेंट होना है एग्जैक्टली जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है उस तरह होना है यानी ये एक अलग बात है लेकिन जो दुनिया के हालात हैं वो बहुत क्लियर डिविजन और बहुत क्लियर बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं जियोपॉलिटिकली बहुत चीजें नजर आ रही हैं अब उसको दीन में क्रिश्चियनिटी में भी ऐसी बहुत सारी बातें क्रिश्चियनिटी के अंदर जिसको आपके यहाँ आर्मेगेडोन कहा गया है आपके पास उसको अहदीस में मलहमतुल कुबरा कहा गया है ठीक है हिंदू हिंदू वेदास के अंदर भी एक युद्ध का कॉन्सेप्ट है आखिरी औकात में।, में एक युद्ध कलयुग तो पॉइंट क्या है इतनी अगर बातें हुई हैं तो यार कोई तो वजन होगा ना उनमें अच्छा मैं अगर आउटराइटली डिनाई भी करूँ तो मैं कम एक, एक से कम एक कॉमन सेंस से आदमी क्या सोचता है कि यार पता नहीं अगर हो गया तो घोड़ा तो तैयार कर लो घोड़ा मैं हूं क्या मैं तैयार हूं कल अगर इमाम मेहंदी आ गए और उनके लश्कर में मुझे शामिल हुआ होने का मैं इरा आज से मैं सो... बहुत से लोग आपको मिलेंगे हम इमाम मेहंदी के इंतजार में हैं जब वो आएंगे तो हम उनके साथ मुझे एक बात बताइए ये माम इतना बड़ा तो मैं पूछ तो लो वो आपको रखेंगे भी कि नहीं वो किनको रखेंगे कोई कैपेबिलिटी देख के रखेंगे ना कोई कैपेसिटी होगी ना ठीक है ना जिस उस कैपेसिटी को बनाने के लिए आज आप क्या कर रहे हैं घोड़ा तैयार कर रहे हैं ये अपने अपने जिसम का घोड़ा तैयार कर रहे हैं अपने अपने ये जो कुरान की बात हम कर रहे थे इनिशियली वो क्या बात थी कि भाई आहिस्ता आहिस्ता अपने मिजाज को अपने टाइम में कुछ ऐसा वक्त निकालिए कि जिसके अंदर आप अपने आप को आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार कर सकें तैयारी कैसे होगी वो एक अलग मौजूद है पूरा तो उसके लिए क्या 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 करना पड़ेगा आपके सवाल का थोड़ा सा जवाब यह है कि ये सब कुछ मेरे नजदीक होना है टाइमलाइन कहीं डिफाइंड नहीं है एक हदीस है जिसका मफहूम यह है कि मोमिन अपने दौर की फिरासत रखता है अपने दौर की रखता है। मोबाइल पर अखबार पढ़ लेना सिर्फ या खबरें पढ़ लेना जरूरी नहीं है सिर्फ उन, उन, उन डॉट्स को कनेक्ट करना और उसके जरिए यह देखना कि मैं जिस एनवायरमेंट में रह रहा हूं इसमें आज मेरी जरूरत आज आज चैट जीपी के बाद लोग अपनी अपनी जॉब्स पे भी तो नजर कर तो ही रहे हैं ना कि यार एकदम एकदम चार महीने पहले धमाका हुआ पता ही नहीं चला जी पी फोर आ गया लोग कह रहे हैं यार पता नहीं मेरी जॉब बचेगी या नहीं हमसे कल एक बात हो रही थी यार टीचरों की जॉब नहीं मतलब बा... तो ये बात सोच रहे हैं ना तो भाई ये तो सिर्फ एक मामूली सा ए का इंजन है जो आ गया दुनिया जिन हालात की तरफ जा रही है यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जिस तरफ जा रहा है ये तो सब चैट जीपीटी, इंटरनेट खत्म सब खत्म गेम ही खत्म ठीक है ना कौन सा चैट जीपीटी आप पत्थर के जमाने में वापस आ जाएंगे अगर आपके घर की बिजली चली गई वापस आप खत्म ठीक है उस वक्त आप करेंगे क्या मुझ जैसे लोग जिनका टोटल जिंदगी इस डब्बे पर है जिसको कंप्यूटर कहते हैं कि ये ना खुले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हम हाँ, मुझ जैसे लोग करेंगे क्या ठीक है ना ऑफिस को मेरा मेरा मतलब ये नहीं कि आप पत्थर के दमाने में चले जाएं कंप्यूटर्स बंद कर दें सबको मैं ये कह रहा हूं कि जब सर पे पड़ेगी ना तो उस वक्त आप घबरा जाएंगे अगर आप शुरू से प्री, mentally, mentally prepared, mentally अपने आप को प्रिपेयर करें कि ठीक है यार ये मेरा एरिया है लेकिन मेरे पास ये स्किल भी होनी चाहिए मैं कोई फिजिकली भी स्ट्रांग हूं मैं कोई वर्कआउट करना शुरू करूं मैं कोई मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरी एक फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो ठीक है इन योर एज ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट इन माई एज इन एनी एज जब तक आप मर नहीं जाते आपकी आपकी तोनाई जरूरी है सबसे अहम फिजिकल तो अहम है बहुत सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा फुकदान हमारा कौमी तौर पर मेंटल स्ट्रेंथ का जरा सी बात आपको इग्नइट कर देती है और आप लोगों को काट खाने को दौड़ते हैं ये नॉर्मल बिहेवियर है हमारा रोजे की बात नहीं कर रहा रोजे में तो हाइट हो जाती है नॉर्मल जिंदगी में भी मैं अपने मिजाज के खिलाफ कोई लफ्ज सुनने का आदि नहीं हूँ ये हमारा जनरल मिजाज है कौमी, ठीक है है अच्छा नाम की तो चीज ही नहीं मुझ में बहुत हुआ तो सिम्पत्ति है वो भी कोई तो बहुत ही गरीब आदमी देख लिया जिसका हार्ट टूटा हुआ फिजिकल डिफेक्ट होना जरूरी है वरना सिम्पति भी नहीं होगी ठीक है ना कि अरे यार बेचारा अब वो भी इसलिए कितना आसानी है मुझे मैं दस लाख रुपए कमा रहा हूं तो पांच हजार रुपए देने में मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसलिए दे सकता हूं अपना जेब काट के कभी नहीं दूंगा हजरत अली का कि पूरे दिन जो मुशक्त की कमाई वो शाम में दे दी रोज बिला नागा और तो घर में फाके हो रहे हैं ये तो खैर बात ही कोई और है पॉइंट क्या है जो होना है ना उसकी ज्यादा फिक्र नहीं करें एक ओवरऑल वो रखें कि ठीक है जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं ना वन वे और दी अदर ये सब कुछ होता हुआ तो नजर आ रहा है ठीक है अब कब होना है क्यों इसकी इतनी ज्यादा फिक्र में जाने की जरूरत नहीं है जिस फिक्र की असल जरूरत है वो ये कि मैं आज से अपने इस घोड़े को तैयार कैसे करूं क्योंकि जब ये सब होगा तो मैं तो यार तैयारी नहीं हूं मेरा होगा क्या मैं करूंगा क्या मैं चलो फैमिली की बात कर लो मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव कैसे करवाऊंगा To start with. चलो यही मेरी लेके आगे बढ़ जाइए लोग, लोग, किसी और को नहीं मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ हम अपने नाइन टू फाइव के अंदर इतने एबजॉर्ब हो गए कि हमें ये नजर ही नहीं आ रहा हमारे अतराफ में क्या हो रहा है लो, लोगों का हाल क्या है हम एम्पेटिक नहीं है लोगों के साथ हमारा रवैया लोगों के साथ वो नहीं है जो होना चाहिए अः यानी आप गौर तो करें कि कौन सी ऐसी चीज है कि जिसकी बेस पे मैं ये दावा कर रहा हूं कि मैं एक मुसलमान हूं मोमिन तो छोड़ दीजिए ठीक है और मैं आपको बातों बात इतने, कोई अगर ये सुनेगा इतनी लंबी बात अव्वल तो सुनेगा नहीं कोई दो मिनट से ज्यादा लोगों को सुनना ही पसंद नहीं है ठीक है ना तो दो दो मिनट के क्लिप चाहिए ठीक है ना व्हाट्सएप खोला ठीक है एक लतीफा एक हदीस एक अच्छा सा गाना

एक कदम पीछे जाके गौर करना है और फिर आगे बढ़ना है नए सिरे से अगर हम ये कर लेंगे तो वी विल आ, वी विल बी एबल टू तो सर्वाइव इन कमिंग अहेड और अगर इसमें किसी को शक है कि ये जितनी बातें मैंने की कहें ये कोई थ्योरी कोई कॉन्स्पिरसी नहीं है दुनिया के हालात उठा लीजिए कोई समझदार आदमी थोड़ा सा स्टॉक मार्केट्स का और फाइनेंशियल एनालिसिस कर ले क्रिप्टो का एनालिसिस कर ले उसको पता चल जाएगा दुनिया किस खाई में अपने आप को इंसान खुद गिरा चुका है और रिवर्सल को है नहीं क्लाइमेट को देख लीजिए को किसी चीज के अंदर आ, कोई रिवर्सल नहीं है यानी क्लाइमेट चेंज का तो यह हाल है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एमिशन के ऊपर हॉलैंड के अंदर तीन हजार ओवर रात मार दी गई सिर्फ इसलिए कि इनसे कार्बन एमिट हो रहा है उनको फैक्ट्रियां नजर नहीं आ रही जो सौ साल से कार्बन छोड़ रही है तो ये कोई और गेम प्लान है ये वो जो यहूदी साजिश आपने कही थी एक्चुअली यहूदी साजिश कोई चीज नहीं है दुनिया में सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक जंग है जो कुरान जिसको कहता है खैर और शर की जंग ठीक है और आज दुनिया में जो हकूमत है वो अब इदारों की हकु... ये मुल्कों की हकूमत नहीं है कॉरपोरेशन की हकूमत है अब दुनिया के जो सिया सफेद के मालिक हैं वो ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन है ये जो गूगल है माइक्रोसॉफ्ट है ये 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 मालिक हैं दुनिया के ठीक है ना तो ये ठीक तो है ना तो गेम ही खत्म हो गया अब तो अब तो ये तो ये बॉर्डर और ये चीजें तो बेमानी हो चुकी हैं ठीक है ना इनकी कोई अहमियत नहीं है और दी ऑल द टाउट्स ठीक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को आप देख लीजिए 2030 की उसने क्या फोरकास्ट uh, दी हुई है आगे सब क्लियर हो जाएगा एनीवे anyway, तो ये तो ला इंतहा गुफ्तगू है हम करते रहेंगे आपको अच्छा, जी सर मुझे ये पूछना है दो अलग-अलग बातें हैं एक तो ये कि आपने कहा ना अभी के I mean, जो कि हम देख भी रहे हैं कि दुनिया कहां जा रही है या थर्ड वर्ल्ड हो जाती है लेट से हम हम वापस में चले जाते हैं, या हम हंटर, गैदरर बन जाते हैं हैं दोबारा बन शायद शायद दुनिया इस काबिल ना रहे कि हम एग्रीकल्चर भी कर सके फॉर एग्जाम्पल या कोई मिट्योर आ जाता है या कोई आइसेज जा आ जा जा जाती कुछ भी आ जाता है मुझे नहीं पता तो आ, मैंने अगेन वही मैं हदीस की बात करूंगी मैंने ऐसा सुना है बल्कि कहीं पढ़ा है कि एंड में मतलब जब दज्जाल भी आ जाएगा और उस जमाने में जो लोग उनके पास खाने को नहीं होगा या जो भी तो उस जमाने में मोमिन की अल्लाह का जिक्र होगा तो मुझे ना इस बात का मतलब आजक समझ नहीं आया तो एक तो बल्कि आप पहले ये एक्सप्लेन कर दें तो फिर मैं दूसरा सवाल करती हूँ क्या काम करती है नरिशमेंट देती है एक प्रोसेस है जनरल जो हम फूड लेते हैं वो क्या करता है आपको नरिश करता है बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं उसके नतीजे में चेन फूड चेन ब्रेक डाउन होती है अंदर जाके उसमें से हम उसमें से आप को एनर्जी मिलती है वो एनर्जी आपके जिसम को चलाती है और आप आगे बढ़ते हैं ठीक है ना तो लेकिन आज अगर आप साइकोलॉजी की फील्ड में जाए और पैरामेडिक्स uh, को भी अगर मेडिकल uh, साइंसिस को भी अगर आप देखें तो वो ये कहते हैं कि गज़ा जो है वो असल जो आपके अंदर एनर्जी है उसका सिर्फ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको दे सकती है अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स भी कोलेप्स हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो वीकन हो रहा होता है फॉर एनी रीजन ड्यू टू देयर एनवायरमेंट ड्यू टू वट तो अब तो ये साइंस का बड़ा क्लियर है कि वो कहती है कि भाई 70 फीसद जो आपकी गजा है ना वो असल में आपको अपने थॉट प्रोसेस की दुरुस्तगी से मिलती है द मोर पॉजिटिव यू आर अ थिंकर द लेस यू आर गोइंग टू ईट इन टर्म्स ऑफ फूड एंड द मोर यू आर गोइंग टू नरिश योर सेल्फ जस्ट ड्यू टू योर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस जिक्र इलाही अगर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ समझ बूझ के किया जाए तो वो आपकी इस कैपेसिटी को

एंड uh, जो लोग साइकोलोजिकल uh, uh, या जैसे डिसलेक्सिया वगैरह है ना तो उसके लिए कुरान मतलब फंक्शनल एमआरआई के थ्रू लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि जब आप कुरान पढ़ते हो या सुनते हो तो उससे जो आपका ब्रेन रिवायर होता है ना आ, वो जो है ना उन चीजों को ओवरकम करने के लिए आपको हेल्प करता है तो uh, कुरान के ऊपर भी एमआरआई एम आर आई यही आपके सवाल का एक्चुअली जवाब है पूरी डिस्कशन में जो हमने दो तीन मिनट बात की कि जिक्र वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट करता है कि जिसके जरिए आप वो आपकी गजा बन जाता है इट्स नॉट ओनली गोइंग टू नरिश योर बॉडी इट इज ऑल्सो नरिश गोइंग टू नरिश योर साइकी एंड नरिश्ड साइकी इवन अ अल बॉडी विद अ स्ट्रॉन्ग नरिश साइकी

सवाब की नीयत से पढ़ते हैं लोग ठीक है वो उसका मकसद नहीं है बेशक लेकिन आ, मैं आई डोंट टू टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट के खुदा न खासा अगर आप सिर्फ अरबी में कुरान पढ़ते हैं तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है यकीन है अपनी जगह पे के अल्लाह ने जब मतलब जैसे शुरू में ही सूर्य बकरा में ही शुरू में ही बोला है कि मतलब ये मोमिन के लिए मुतकीन के लिए हिदायत है तो अब बेसिकली तो हिदायत लेना है और उसको बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है बट स्टिल जो आपने शो के शुरू में भी कहा था कि इतने सारे कुरान है तो क्या उसका कोई भी स्पिरिचुअल इम्पैक्ट नहीं होता है मतलब कि जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की ना कि डिसलेक्सिया uh, या किसी चीज को ट्रीट करने के लिए द यूजिंग कुरान या कुरान को पढ़ने से उनका ब्रेन रिवायर हो रहा है तो इस तरह की तो और भी स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर इम्पेक्ट uh, होता होगा ना तो मैं ना वो असेस नहीं कर पा रही लाइक वो वो वाली वैल्यू कहाँ चली गई है वो क्यों नहीं नजर आ रही कुरान को हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी से किसी ने पूछा कि कुरान को समझने का क्या तरीका है तो उन्होंने फरमाया कि कुरान को समझने के चार तरीक़े हैं इबारत इशारत लताफत हकीकत इबारत टेक्स्ट जो शख्स अरबिक जानता है पढ़ सकता है अरबिक वो कुरान को पढ़ सकता है अरबिक नहीं जानता तो तर्जुमा तो अपनी जबान में जो तर्जुमा है वो तो पढ़ सकता है ये टेक्स्ट हो गया इसके अपने बेनिफिट्स हैं ठीक है उस पर मैं आता हूँ भी उसके बाद जो अगली चीज है ना इशारत वो जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना रीडिंग बिटवीन द लाइन अब बड़ी अजीब शर्त है उसकी हजरत शेख अब्दुल्कर जिलानी ने जो शर्त लगाई उसकी वो ये है कि उसको पढ़ने के लिए मोमिन होना जरूरी है इशारत उस पे जाहिर होगी जो मोमिन है अब इसका इल्म से ताल्लुक ही खत्म हो गया इसका ताल्लुक अमल से आ गया उसके बाद अगला स्टेज है ज्यादा डेप्थ में जाएं या यूं कह लें ज्यादा हाइट पे जाएं तो जो अगला स्टेज है मोर सटल मोर बेनिफिशियल वो है लताफत लताफत जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं सबटेलिटी ठीक है सटल जिसको आप कहते हैं लतीफ अल्लाह का इसम भी है लताफत पे अल्लाह के वली पहुंचते हैं और हकीकत जो आखिरी स्टेज है वो हासिल नहीं की जाती वो अता की जाती है और वह हजूर अकदसम खुद अता फरमाते हैं अच्छा इस आखिरी बात को तो चलिए अभी छोड़ देते हैं क्योंकि ये हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाने के मुताम मिल रही हैं पहली तीन बातें टेक्स्ट जो शख्स टेक्स्ट पढ़ रहा है उसको टेक्स्ट पढ़ने से जो बेनिफिट्स हैं जिसमें बीमारियों का इलाज है जिसमें डेलमेशिया है, है डेसिलेक्सिया और जितनी बीमारियां हैं उस वो कैसे होगा वो एक अलग मौजू है उस पर मैं थोड़ी सी बात अभी करता हूँ लेकिन ये टेक्स्ट का लेवल है एंड दैट इज इट जिसमानी लेवल पे मंडे इन वर्ल्ड के लेवल पे टेक्स्ट ऑपरेटिव होगा वो भी नहीं है वो क्यों नहीं है वो एक अलग मौजूद है लेकिन उससे आगे अगर आप कुरान आपने कभी आप आपने क्या हम सब ने ये बात सुनी है कि यार वो फलानी जगह पर एक साहब है उन्होंने वो, वो जब कुछ पढ़ने को कहते हैं और उसके बाद जब वो इजाजत भी दे देते हैं और आप जब उस जिक्र को किसी से हासिल करके पढ़ रहे होते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ और होता है आई डोंट नो आपको ये बात सुनता है या नहीं ठीक है ना और लेकिन अब ये दौर ऐसा आ गया है कि इन बातों को हमने सुना भी हो तो हम कहते हैं यार खैर है कोई कमर्शियल वैल्यू है नहीं है तो छोड़ो यार भाड़ में जाए कोई और बात करते हैं ठीक है ना कोई चैट जीपीटी बताओ जिससे कोई पैसे बने ठीक है तो इसकी करेंसी कोई और है पैसे तो इससे भी बन रहे हैं लेकिन वो करेंसी कोई और है और वो करेंसी जिस दौर में काम आएगी वो दौर करीब है और फिर आखिरत में तो काम आनी ही है ठीक है ना उस करेंसी पे भी कभी बात करेंगे आपसे तो बातें इतनी है ना क्या करें तो शर्त लग गई यानी मैं जितना भी आलिम फाजिलू, मुझे अरबी पे जितनी भी कमांड है मुझे जितनी तजवीज आती है आती है यहाँ से पढ़ता हूँ या पेट से पढ़ता हूँ किस तरह अदा करता हूँ हाँ हवा अदा करते हुए मेरा क्या हवा मुंह से निकलती है नहीं यही है ना कुरान को माफ कीजिएगा पढ़ने का एक एक अंदाज बताया जाता है कि जी इस तरह पढ़ेंगे तो उसका असर तो तो ये तो सारी बात ही है। शेख अब्दुल जिलानी कह रहे हैं मैं तो कह नहीं रहा ठीक है ना लिहाजा उंगली तो कोई उठा नहीं सकता ठीक है उन पे उठेगी मुझ पर तो नहीं उठेगी ठीक है सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट किताब का रेफरेंस है ठीक है पेज नंबर मुझे याद नहीं किसी को भी पढ़नी हो पढ़ ले इबारा इशारा लताफा हकीका ठीक है क्लियर तो मोमिन कौन है मुसलमान तो समझ आता है मोमिन कौन है मोमिन वो है जो अमन में आ गया मोमिन की रूट अलिफ मीम नून है मोमिन वो है जो एट पीस है वो अपने जो कुछ अल्लाह ने उसको दिया है उससे एट पीस है 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 वो राजी है। वो वो खुशी राजी कहता है कि अल्लाह आपने नाइन्टी परसेंट लोग क्यों मोमिन नहीं हो रहे इसलिए कि वो मुसलमान तो है लेकिन वो राजी नहीं है वो कहते हैं अल्लाह अल्लाह मुझे भी आप ये दे देते उसको तो आपने फॉर्चूनर दे दी मुझे आपने कल्टस दी हुई है मतलब मैं तो बस गेम खत्म आप राजी रहे क्योंकि आपको इस एक्टिंग में एक रोल दिया गया है ड्रामे में रोल होते हैं ना सारे तो हीरो नहीं होते सारे विलन भी नहीं होते सारे हीरो की माँ भी नहीं होते सबका अपना अपना रोल है तो हीरो की माँ कहने लगे मुझे तो हीरो का रोल चाहिए था तो कहेंगे भाई तो, तो तेरा रोल कौन करेगा तो ये रोल्स हैं ठीक है तो अपने रोल में जो एट पीस है वो मोमिन है एम्ब्रेला डेफिनेशन है ये ईमान की इस मोमिन को कुरान की इशारत अता होगी अता होने लगेगी ग्रेजुअली जितना मोमिन पने में ईमान में इजाफा होगा उतनी इशारत अता यूल यूल बी एबल टू ब्रीड बिटवीन द लाइन वली कौन है अल्लाह का दोस्त वली अल्लाह अल्लाह का दोस्त या जिसके अल्लाह दोस्त बन गए दोस्ती किसे कहते हैं दोस्त अगर अगर मैं आपसे दोस्ती का दावा करता हूं तो इसका सिंपल रूल ये है कि आपकी प्रायोरिटी के आगे मैं अपनी प्रायोरिटी को सरेंडर कर दूंगा तो मैं दोस्त कहलाने का तो मैं दोस्त हूं अगर मैं अपनी प्रायोरिटी को हर वक्त ऊपर रखता हूं और आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है तो मैं दोस्त नहीं हूं मैं तो जबान से कह रहा हूं वली अल्लाह जिसने अल्लाह की प्रायोरिटीज डिफाइंड प्रायोरिटीज के आगे अपनी हर प्रायोरिटी को जीरो कर दिया फिर उसके लिए तहजुद में उठना भी मसला नहीं है उसके लिए 24 घंटे इबादत भी मसला नहीं है उसके लिए लोगों से मुस्कुरा के बात करना भी मसला नहीं वो कह कह रहा रहा है है मेरा रब कह रहा है ना मेरी प्रायोरिटी है ही नहीं मेरी प्रायोरिटी तो ये है कि मैं जरा सा टेके से बात नहीं करूंगा तो लोग मेरा काम नहीं करेंगे भाई नहीं अल्लाह कह रहे हैं तो ये है यही मेरी प्रायोरिटी है ये वली अल्लाह बन गया वली अल्लाह का आउट ऑफ द ब्लू थोड़ी कोई कोई आसमान को, से उतरेगा मैं और पोटेंशियली ये हर रुतबा और हर दर्जा हर इंसान के अंदर पोटेंशियली मौजूद है उसको एक्सप्लॉइट कितना करते हैं उसको यूज कितना करते हैं पहले तो उसको बेदार करें बेदार करने के लिए इस तरह की कोई गुफ्तगु कोई बात किसी को एक्साइट कर दे उसको उसके किसी थॉट प्रोसेस को ट्रिगर कर दे इस पूरी गुफ्तगु का ये मकसद होता है और होना चाहिए इसका मकसद अपनी काबिलियत झाड़ना नहीं होता ठीक है ना ये आज के दौर में तो आसानी मिल गई ना आप अपने घर बैठी मैं अपने घर बैठा हूँ मैंने ये पीछे खूबसूरत सा बैकग्राउंड भी लगा लिया बात हो गई ठीक है लोग समझ रहे हैं मस्जिद में बैठा हूँ मोमिन तो टेक्स्ट उसके बाद टेक्स कोई भी पढ़ सकता है और उससे कोई फायदा ले सकता है उसके बाद मोमिन ज्यादा फायदा लेगा उसके बाद वली ओवरऑल बहुत बड़े कैनवस के ऊपर बहुत बड़ा वली फिर वली तो वो था जिसने अपनी प्रायोरिटी को ही खत्म कर दिया इसलिए अल्लाह के वली दुनिया के लिए बेनिफिशियल होते हैं उनका ख्याल और आज अब मैं आ जाऊं इस बात पे जो आपका सवाल था आखिरी स्टेज को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हकीकत को ठीक है ये कैसे हो रहा है ये बीमारियां आपके इस्लाहाबाद लाहौर में एक डॉक्टर साहब हैं कि जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं सूर रहमान से भरे हुआ यूट्यूब उनसे मैंने भी उनकी कई चीजें देखी है क्या हो क्या रहा है देखिए हमारी क्योंकि हम कम इल्म लोग हैं हमने कभी रिसर्च साइंस इसको हमने अहमियत नहीं दी टेस्ला का नाम सुना होगा निकोला टेस्ला ठीक है उसने कहा था वॉज अ सूफी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ठीक है जिसको आखिर में छुट्टी कर दी गई थी जिसकी ठीक है गुमनामी में अजीब और गरीब हालात में वो मरा था ठीक है और उसके आ, उसकी साइंस की दुनिया में उसकी इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में उसकी इतनी ऐदात हैं बड़ी बड़ी ठीक है ना कि आप सोच मैं एक लंबी बात हो जाएगी वो उसने कहा था कि अगर ये 1930 या 40 की बात होगी मेरे ख्याल में मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद उसने कहा था कि इंसान जिस साइंटिफिक तरक्की की तरफ जा रहा है अगर वो इस रास्ते को छोड़कर मेरा बताया हुआ रास्ता इख्तियार करे जिसमें सिर्फ तीन चीजों पे वो रिसर्च करे एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन एनर्जी फ्रीकेंसी पे और वाइब्रेशन पे रिसर्च करे तो विदिन इंसानियत कहीं से कहीं पहुंच जाएगी टेस्ला ने कहा था कि मैं बिजली बना दूंगा हवा से और मैं अगले एक हजार साल के लिए पूरी दुनिया का एनर्जी क्राइसिस सॉल्व कर दूंगा इसी पे लोगों के पहली बार सर उठ गए थे क्योंकि सबको पता था कि इतना बड़ा धंधा बंद हो गया उन्होंने कहा इसी को उसके बाद वो अताब में आ गया और उसके बाद ग्रेजुअली वो छुट्टी हो गई उसकी मैंने सुना सर कि वो उसको जब उसकी डेथ हुई थी तो काफी सारी उसकी जो जर्नल्स जिसमें उसने, उसने ये सारी बातें लिखी गायब कर लिए लिए गए गए ले गई थी गायब कर थे ठीक है लेकिन ये अलग मौजूद हो जाएगा ये हम वी आर नॉट गोइंग पॉइंट क्या है एनर्जी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ये तीनों ही तो कुरान है कुरान नाम किस चीज का कुरान इज नॉट टेक्स्ट. टेक्स्ट तो जाहिर तो तो उस है उसकी और वाइब्रेशन का है. पूरा खेल और इसी से ही लिख होती है कुरान में हुँ. है ना कि कुरान शिफा है भाई कुरान अगर एक आप किसी आदमी से कहें शिफा तो आज जरा जाइए ना वेस्ट में क्या हो रहा है वो तो वो तो साउंड से हीलिंग कर रहे हैं परिंदों की आवाजों से हीलिंग कर रहे हैं वो तो सिर्फ ये कहते हैं कि यार जब कोई फ्रीक्वेंसी आपकी सेल्युलर लेवल पे फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है रेजोनेंट हो जाती है तो आपका हीलिंग प्रोसेस एक्साइट होकर शुरू हो, हो जाता है कुरान के अंदर ये अब जो मैं बात कह रहा हूं ये मेरी अपनी आ, आ, रिसर्च है लेकिन ये इसको रिसर्च एक्चुअली कहना नहीं चाहिए ये सिर्फ सर्च है रिसर्च okay. का तो मतलब ये है कि उसके बाद मैंने इस पर टाइम लगाया होता इस पर वसायल होते हमारे पास कि हम इसको फिर लैब में जाके प्रूफ करते तो प्रूफ तो हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास ना ये पैसा है ना ये टाइम है ना कोई हमें स्पॉन्सर कभी किसी ने किया ना कोई कभी करेगा ठीक है ना कि वो आ, मस्जिद तो बना ली शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों में नवाजी बन बनना सका हम तो फिजिकल मस्जिदें बनाते हैं मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हूँ जो रमजान के अंदर मस्जिदों में ए लगाने के दो दो करोड़ रुपए एक शख्स दे देता है लेकिन उससे कभी दो लाख रुपए भी अगर आप कह देना रिसर्च तो कहेगा लो आ गया कुरान के पैसे खाएगा जो आपने शुरू में बात की थी तो आप पैसे रिसर्चर को नहीं देंगे तो यार मुफ्त में तो मेरे भी बीवी बच्चे हैं बेटा मैं क्या करूं मैं सबको फाके मारूं और रिसर्च करूं ये तो हुक्म नहीं है दिन में ठीक है ना तो ये एक अलग मौजूद कुरान की सिर्फ जो लोग सिर्फ अरबी में कुरान पढ़ते हैं ना उर्दू नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़े सवाब को समझ लें कि होता क्या है सवाब की नीयत की है ना चलो सवाब कहते किसको है सवाब उस करेंसी का नाम है कि जो आपकी कैपेसिटी बढ़ा देता है दुनिया में ऑपरेट करने की तीन की दुनिया में ऑपरेट करने की कैपेसिटी के बढ़ाने की करेंसी का नाम सवाब है जो आपको मिलेगा बहुत ही मुश्किल बात हो गई आसान बात यह है कि जब मैं अरबिक कुरान पढूं तो मेरा माइंड सेट ये हो कि अल्लाह ये आपकी एनर्जी है ये आपके कहे हुए अल्फाज हैं और जब एक आम चिड़िया फिजिकल और मेंटल और स्पिरिचुअल, तो ये तो आपके कहे हुए अल्फाज हैं, रोंगटे खड़े हो जाएं, अगर इंसान इस बात को सोचना शुरू करे कि जब मैं कह रहा हूं ना अलहमदुल्लाह आलमीन ये कौन कह रहा है ये मेरे लफ्ज तो नहीं है ये तो रसूल के अल्फाज भी नहीं है ये तो वही के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको पता है हज़रत ज़िब्राइल के जरिए हजूर अकदस की जबान मुबारक से ये फरमाया किसने फरमाया ये अल्लाह बात कर रहे हैं आपसे ये अल्लाह बात कर रहे हैं जब अल्लाह बात करेंगे किसी भी मीडियम के जरिए तो उस बात में कितनी ताकत होगी कितनी तवानाई होगी वो बात क्या असर कर सकती है आपको पता है कि सूर्य फातिया को सूर्य शिफा कहते हैं और सूर्य फातिया मैं मेरा जाती तजुर्बा है कि आप लोगों पर पढ़ के आप अपने ऊपर पढ़ के लोगों को छोड़ दें अपने ऊपर पढ़ के आप दम करें एंड and... लेकिन एक चीज इस पूरे जो मिसिंग कनेक्शन और मिसिंग लिंक है वह है फेथ अगर आपको यकीन नहीं है ना आप डॉक्टर से दवा ले लीजिए प्लेसिबो इफेक्ट सबको पता है मैं आपको सादा गोलियां दे दूंगा लेकिन अगर आपको मेरी डॉक्टरी पर यकीन है तो आप उससे शिफायाब हो जाएंगी तो इसका प्लेसिबो ये है कि आपको यकीन हो अपने रब की जात पे तो फिर आप देखिए कि आपकी जिंदगी में मुआजा रनुमा होना शुरू हो जाएंगे वरना आप कुरान को दिन में दस बार पढ़ लीजिए कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपको यकीन नहीं है आप ये मानने पर तैयार ही नहीं है कि ये जितनी ये उस 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 अजीम हस्ती का कलाम है और वो बाकायदा आपसे मुखातब है हजरत अली ने फरमाया ना कि जब मुझे अल्लाह से मुखातब होना होता है मुझे तो मैं नमाज पढ़ता हूँ चाहता हूँ अल्लाह मुझसे मुखातब हो तो मैं कुरान पढ़ता हूँ तो वो बातें ये जो बता रहे हैं अल्लाह के बंदे ये क्यों बता रहे हैं कि भाई तुम इन्हें अपने ऊपर अप्लाई करो वो कि अपनी अकड़ में नाजबिल्ला थोड़ी बता रहे हैं कि देखो तो मैं ये करता हूँ वो बता रहे हैं कि ये प्रोसेस है इस प्रोसेस से गुजरोगे तुम्हें भी ये नसीब होगा आहिस्ता आहिस्ता कुरान में शिफा है मेंटल शिफा है सिर्फ अरबी पढ़ने में भी बहुत फायदा है बहुत शिफा है मैं एक बात कहूंगा जिससे शायद आपको भी इख्तलाफ हो और कई और लोगों को इख्तलाफ हो लेकिन ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तर्जुमा बहुत अच्छी चीज है अमूमी तौर पर जरूर पढ़ना चाहिए लेकिन फिर तर्जुमा जिसने पढ़ना है ना वो तर्जुमे से आगे जाए और फिर वो उन अल्फाज पे गौर करे जिसकी एक मिसाल मैंने आपको उस आयत से दे दी असल में देखिए तर्जुमा किया गया है एक बहुत ही आम लेवल पे इंसान को कुरान की आयत का मतलब समझाने के लिए लेकिन होता क्या है होता ये है कि जब एक जब एक बात को किसी आम लेवल पर मतलब समझाने के लिए किया जाता है तो वो स्टार्टिंग पॉइंट तो जरूर है लेकिन फिर वहां से अगर आप आगे नहीं गए और आप इसी में रह गए ना कि नहीं अल्लाह अल्लाह ने जिनो इंस को पैदा किया अपनी इबादत के लिए और अबियत तक कभी पहुंचे ही नहीं तो आपने एक्चुअली उस आयत के जरिए अपने आप को खुद लॉक कर दिया और आपने इबादत को जिंदगी का मकसद समझ लिया जबकि वो मकसद था नहीं वही कुरान कुरान की आयत है कि हम इन्हीं आयतों से बहुत को हिदायत देते हैं और बहुत को गुमराह करते हैं और नहीं हम गुमराह करते मगर उनको जो फासिक है इासिकीन या फासिकून का लफ्ज है तो फासिक कौन है फासिक वो है कि जो आधी बात पे नतीजा निकाल रहा है पूरी। तो फिर अगर अगर तर्जुमा पढ़ना है तो फिर डेप्थ में जाइए और यकीन मानिए कि हम सब में ये कैपेसिटी है कुरान इज नॉट फॉर एलीट्स ओनली कि सिर्फ वो तर्जुमा पढ़े एक जमाने तक मुसलमानों का बेड़ा अगर किस कॉन्सेप्ट से हुआ है कि नहीं नहीं तर्जुमा नहीं पढ़ना गुमराह हो जाओगे भाई कोई गुमराह नहीं हो रहा आज के दौर में हम इतनी गुमराही में बैठे हुए गुमराह नहीं हुए कुरानी से गुमराह होंगे सिर्फ तर्जुमा पढ़ के भाई उसको अपनाइए तर्जुमे से शुरू कीजिए ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है ठीक है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब तर्जुमा पढ़ेंगे और नीयत ये होगी ना कि अल्लाह रबुल्जत मुझे और अता कीजिए तो आपको और अता होगा उसके वसाइल भी बनेंगे आप, आप खुद ही उसकी डेप्थ में जाएंगे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं ना आप जैसे उनसे आज रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है टू स्टार्ट विथ इफ इफ समी हु इज जिसको अल्लाह ने आ, हालात ऐसे दे दिए कि उसके मां बाप उसको पढ़ा सके मैं तो ये कहूंगा आपने अगर डिग्री ले ली कोई कमाल नहीं है आपका आप अगर अपने घर में आने वाली काम करने के वाली के घर में पैदा हुई होती तो आज आप झाड़ू पोछा कर रही होती मैं भी आज कचरा चुन रहा होता तो ये तो सिस्टम में अल्लाह ने मुझे अपरचुनिटी दे दी कि मुझे वो हालात मिल गए कि मैं आज यहाँ ये माइक लगा के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ ठीक है ना और तो इसका शुक्र अदा करने का वाद तरीका ये है कि पहले तो मैं ये रियलाइज करूं कि ये जो कुछ मुझे मिला हुआ है ना इसमें मेरी कोई मेरी कोई अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं थी जिससे मुझे ये मिल गया मेरा एक रोल था इस पूरे खेल में उस खेल में मुझे उस रोल में फिक्स करके इन मां बाप के घर पैदा कर दिया ये हालात दे दिए ये हो गया कई लोग कहते हैं यार मैं काश के घर पैदा होता ना हाँ जिम्मेदार तो, अपने आप को छोटा ना जानिए आप अल्लाह के नायब हैं मेरे ख्याल में मैं आखिरी बात इसलिए टाइम आ, right. आपके व्यूअर बेचारे वो हो जाएंगे आप अल्लाह के नायब हैं एक ऑफिस में एक सीईओ होता है और वो अपनी तकरीबन 75 टू 80% ड्यूटीज नीचे जनरल मैनेजर को या जो भी है उसको दे देता है कि यार मैं ज्यादा दखल नहीं दूंगा तुम ऑपरेट करो ठीक है आई विल जस्ट कीप आई जस्ट कीप आई बर्ड्स आई ठीक है मैं एक एक आए रखूंगा मैं देखूंगा ठीक है मगर मुझे तुम पे बड़ा ट्रस्ट है कि तुम तो अपने मकाम को पहचानिए इंसान अपने मकाम से बहुत 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 नीचे गिर गया है उसने अपने आप को सिर्फ खाने पीने वाला ठीक है और दुनियावी चीजें करने वाली मखलूक समझ लिया है पैसा तो बाई प्रोडक्ट है मेरे बच्चे आ ही जाएगा और यकीन मानिए जितना आज तक आपके पास आया है उसमें भी आपकी कोई सलाहियत नहीं थी अगर गौर करें ना किसी दिन बैठ के सब हम सब तो हमें पता चलेगा कि ज्यादातर चीजें तो हादसाती तौर पे हुई हैं आपके साथ रास्ते बनते गए चलते चले गए और वन रिच मैन और यू आर एन एलोक्वेंट स्पीकर और अ फेमस मैन वॉट एवर जो जिसकी वो हो ये तो सब अता के तहत हो रहा है अपने रोल को पहचानिए और उस रोल के अंदर प्रोएक्टिवली जिसने एक्ट कर दिया मोनोटनसली ये रोबोटिकली नहीं हम तो ऑटोमेटेड सिस्टम की तरह चल रहे हैं फाइव सेंसेस से हमें इनपुट मिल रहा है सेंसर से हम उसका आउटपुट पे रिएक्शन दे रहे हैं हम सिर्फ रिएक्शनरी फोर्सेस के तौर पे इंसान काम कर रहा है प्रोएक्टिवली तो चंद लोग हैं जो काम कर रहे हैं और जो प्रोएक्टिव हो गया जिसने अपने तौर पर रियलाइजेशन क्रिएट कर ली और उसके बाद उसने अपने रोल में रहते हुए जहां जहां उसका असर था वहां वहां इफेक्ट क्रिएट करना शुरू कर दिया आप यकीन मानिए कि ये कुरान आपको अपने नए माने देना शुरू कर देगा ये तरीका कार है ये है मोमिन का सफ़र टेक्स्ट इज गोइंग टू डू टेक्स्ट ने जितना करना था ना वो कर दिया चार अरब कॉपियां, दो अरब लोगों के घरों में मौजूद हैं मस्जिदों में दिन रात वो टेक्स्ट इंतहाई पढ़ा जा रहा है कुछ लोग तर्जुमा भी पढ़ रहे हैं नेट रिजल्ट दुनिया में आप देख लीजिए मुसलमानों की अपनी हालत देख लीजिए और होना तो ये था एक्चुअली कि मुसलमानों की हालत ऐसी जगह होती कि वो एक बहुत बड़ी ताकत बन के पूरी दुनिया में वेलफेयर कायम करते मैं तो डरता हूँ अगर इस वक्त खुदा ना खास्ता इन हालात में मुसलमानों को दुनिया की हुकूमत मिल जाए तो क्या उधम मचाएंगे वो आई एम सॉरी टू से आप लोग गौर तो कीजिए जरा इन हालात में इस माइंडसेट के साथ इस लोअर इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर अगर इस कॉम को दुनिया की हकूमत मिल गई तो कुछ नहीं किया गोरे ने जो आप करेंगे माजरत के साथ ठीक है इसलिए इस लेवल पर चेंज लाने के लिए पहले इस लेवल पे चेंज लानी जरूरी है वो चेंज आएगी अल्लाह के कलाम को उसकी उस हैसियत में जाके पढ़ने से कि जो आपकी असल हैसियत है पहले अपने आप को जाने तो कि मैं मखलूक हूँ मैं अल्लाह का नायब हूँ फिर उसकी ड्यूटी समझें फिर आहिस्ता आहिस्ता थॉट प्रोसेस के अंदर उसको अप्लाई करना शुरू करें इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस ये प्रोसेस है ये ओवर नहीं होगा कि आज मैं हुआ और कल में मोमिन बन तलवार लेके खड़ा तलवार तो लेनी ही नहीं है भाई ठीक है ना जब तक हुक्म ना आ जाए वो एक अलग मौजू है बिल्कुल ठीक है कि कताल और जहाद का हुक्म कब नाफिज होता है ठीक है ना तो वो बहरहाल ये ये मैं कह सकता था थोड़ा okay. बहुत जो मैंने कह दिया सर एक आखिरी सवाल है एंड देन विल जस्ट रैप अप कि ऐसा कहते हैं ना कि हिदायत अल्लाह जला जिसको चाहे हिदायत दे दे तो जो जिसको हिदायत नहीं मिली है इस मतलब बेसिक मैं के यशा का इस्तेमाल हुआ है, इस बात को समझा ही गलत किया तर्जुमा है ना अब इसकी अरबी पे आ जाइए कई आयते हैं आ, मिसाल के तौर पर मई मुस्तम्मीक है आ, मंतशाओ मंतशाओ ये, ये दिया गया है वहा एक लफ् आपको जरूर मिलेगा उस हर उस आयत में और वो लफ्ज है शे या शाह शे की फिर मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं अच्छा जैसे इन अल्लाह शैन कदीर का जनरल तर्जुमा क्या है क्या तर्जुमा करते हैं हम इसका तो तमाम चीजों को हम चीज़ों को ना शह चीज को कहते ही नहीं चीज अगेन इबादत और अब्दियत वाला चीज को शह जरूर कहते हैं लेकिन शह का मतलब इससे बहुत बुलंद है शह का मतलब है सुपरसेट मशियत अल्लाह ने एक मशियत हिदायत की कायम करी है और एक मशियत नॉन हिदायत की कायम की है फ्रेमवर्क है फ्रेमवर्क्स हैं यह दी बेही मई अशाऊ का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे दे इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सिस्टम भी तुम्हें दे दिया कि जिसके अंदर तुम जब ग्रो करोगे तो वो हिदायत का निज़ाम है और तुम्हें वो सिस्टम भी दे दिया कि जो शर का निजाम है जिससे तुम गुमराह होगे ठीक है, ला इकराह फीन दीन में जबरदस्ती नहीं है ठीक है दोनों की क्लियर लाइन ऑफ एक्शन तुम्हें दे दी गई फमई यकफुर बितागू थी विल्ला बिल उर्वतिल अब जिसने जिस चीज को पकड़ा अब इसकी लंबी बात है ये अलग है, एक पूरा मोटी बात क्या है मोटी बात ही और आज बिल्कुल क्लियर है भाई कोई शख्स होगा दुनिया में जिसको सही और गलत का पता ना हो फिर भी मैं गलत चूज करता हूं अपने स्वाद के लिए आप गौर कर लीजिए कौन इस वक्त इस दुनिया में इस इंफॉर्मेशन एज में हो जिसको ये बात ना पता हो और यूनिवर्सल गुडनेस के स्टैंडर्ड्स रिलीजन से भी हटके बिल्कुल स्टेब्लिश है सबको पता है चोरी बुरी बात है सबको पता है सच बोल सब को पता है एथियस्ट को भी पता है प्रैक्टिसिंग कितना है तो अल्लाह जब कह रहे हैं ना कि हम जिसको चाहे गुमराह करते हैं हम जिसको चाहे नहीं ये मतलब नहीं है इससे बहुत बड़ा मतलब है ये तो नाज बिल्ला फिर ये बात हो गई कि मैं गुमराह तो भाई अल्लाह ने किया ये तो कुफुर का रास्ता है कि मैं गुमराह तो मैं अल्लाह से कहूं कि जी आप ही ने गुमराह किया और मैं अपनी गुमराह में मजीद डीप हो जाऊं और मैं अगर हिदायत याफ्ता हूं तो मैं इस पर हुआ चलू बात ये नहीं हो रही That was my point. कि अगर तर्जुमे को पढ़ना है तो फिर, उसकी में है। फिर आप देखिए हाथ ये मूव मेरा, ये मेरा, ये, ये, हो सकता है यहां से ये नीचे नहीं जा सकता अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो यह टूट जाएगा टूट जाएगी क्योंकि ये नीचे नहीं मुड़ सकता ये इस हाथ का सुपरसेट है पॉसिबिलिटीज और पोटेंशियल को कहते हैं मशियत अब सवाल ये कि इस सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज में से मैं इसका इस्तेमाल कैसे करता हूं मैं इससे आप यूटिलाइज कैसे करता हूं मुक्का भी मार सकता हूं पॉसिबिलिटी में था ठीक है और मैं इससे दस्त शफकत भी रख सकता हूं एक बच्चे के सर पे प्यार भी कर सकता हूं ऐसा ही है। ये है सुपर सेट दे दिया गया उसमें उसमें हिदायत भी है उसमें का रास्ता भी है और शुरू दे दिया गया चूज़ करो तुम अपने लिए बेहतरीन मोबाइल चूज करने के तो काबिल हो बीस हजार रुपए में मोबाइल लेना है तो बेहतरीन चुन के लोगे पंद्रह बीस सेट देख के यहाँ तुम कैसे काबिल नहीं हो तो, ना ना हाँ तो अगेन इस आयत ये इतनी अहम आयत है और इस पे इतने बच्चे आजकल गुमराह हो रहे हैं इस बात को सिर्फ लोगों उनको गलत तरीके से जब पोर्ट्रे किया जा रहा है एक फोर्सेस भी तो है ना जो काम कर रही है कि लोगों को बच्चों को खास तौर पर हटाया जाए वो कहते हैं यार अल्लाह ने कहा तो वाद को कुरान में चार छः आठ दस जगह कहा हुआ है कि गुमराई तो हम हमने तुम्हें गुमराह किया हमने तुम्हें हिदायत दी भाई वो कह रहे हैं कि हमने फ्रेमवर्क दोनों दे दिए अकल भी दी है अफला तकिल अफला ता तदब्बर अफला ता तफक्न तुम अकल से काम क्यों नहीं लेते तुम तदब्बर क्यों नहीं लेते तुम गौर फिक्र तो फिर इन चीजों की अहमियत क्या गई अगर अल्लाह ने मुझे गुमराई करना था तो डे वन से गुमराही कर देता वो अल्लाह ने गुमराह नहीं किया बिल्ला इंतहाई गलत तरीन इंटरप्रिटेशन है जिसकी बुनियाद ये है कि हमने उस अमूमी तर्जुमे से पूरी आयत को अगेन आधी बात से पूरी बात समझने की कोशिश कर दी तर्जुमा पढ़ लिया था आगे जाइए यशा की हकीकत पे जाइए शेख कहते किसको है अरबिक में इस पे गौर कीजिए मशियत इलाही का कॉन्सेप्ट क्या है पाक सॉरी हदीस नहीं है हजरत आ, आ, मुझे याद नहीं आ रहा अल्लाह के बहुत मशहूर मैं गलत कोट नहीं करना चाहता उनका एक अल्लाह के बुजुर्ग हस्ती है उनका कौल है कि अल्लाह की मशियत में से उसकी रजा को ढूंढना ईमान है मशीहत सुपर सेट है ये हाथ वाली मिसाल समझ ले इसमें से रजा मुझे ये ढूंढनी है कि मुझे इस हाथ को इस्तेमाल किस मकसद के लिए करना है चोरी के लिए या रिस्क हलाल के लिए थप्पड़ मारने के लिए या प्यार करने के लिए मशीहत में सब है सुपरसेट है ना सब कुछ है ऑल सेट सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज इसमें से रजा को ढूंढने कि जो रब को पसंद है तो आप हिदायत याफ्तर हो गए क्योंकि अगर हिदायत भी उसने देनी है गुमराही भी उसने देनी है तो आपका रोल क्या रह गया भाई आपको ये जो अक्ल दी शुरूर दिया जगह जगह अल्लाह कुरान में अपने आप को अलीम कह रहे हैं जगह जगह वो फरमा रहे हैं कि मेरी आयतों पर अंधे बहरों की तरह ना गिरो इनमें गौर करो तफक्र करो तदब इस चीज़ की तो अहमियत ही खत्म हो गई भाई उनकी मर्जी थी उन्होंने एक लॉट को गुमराह कर दिया एक को हिदायत दे दी हिदायत वाले जन्नत में जाएंगे गुमराह वाले दो में जाएंगे अल्लाह खैर सल्ला तो ये तो पूरा गेम ही खत्म हो गया तो इट इज़ नॉट लाइक दिस ओके ओके सही सो सर थैंक यू काफी लंबा डिस्कशन हो गया हमारा आपका बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया हमने एंड होप टू सी यू अगेन मेरे वक्त का इससे अच्छा क्या इस्तेमाल होगा अरे सर अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दे दी और ये आ, बोलने की थोड़ी बहुत सलाहियत दे दी तो इसका तो इससे अच्छा कोई इस्तेमाल ही नहीं है